हेलो एवरीवन, चलो मार्केट देखते हैं। मार्केट का मोमेंटम करके हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए मैं गाड़ी में बैठकर शूट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आवाज़ या बैकग्राउंड कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर जाना, क्योंकि वीडियो देना है आपको टाइम के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत बाहर हो तो काम हो ही जाएगा। सो देखते हैं, आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ, ताकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। सो मार्केट का सिचुएशन को देखा होगा तो आपने, तो मैंने यही से आपको क्लियरली बोला था, मार्केट अगर 100 पॉइंट से लेकर अगर 150 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ जाता है गलती से भी, तो फिर ये मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा मार्केट होने वाला है, मेरे लिए मार्केट थोड़ा सा खराब मार्केट हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट तरीके से यहाँ पर मार्केट ऐसा कभी नहीं करता है। मेरी कितनी परफेक्शन के साथ आप चीज़ों देख पा रहे होंगे, आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे, जो मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, जो चीज़ें आपको बताता हूँ, वो कितनी परफेक्टली वर्कआउट कर जाती है, इसी तरीके से यही पता। और यहाँ से फिर मार्केट क्या करता है, यही से कंटिन्यूशन में ऊपर चला जाता है, और एक्जैक्टली यही जगह पर हमारा टारगेट हुआ करता था, और यही टारगेट हमारा एक्जैक्टली अचीव हो जाता है, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, फिर बाउंस बैक करता है। मार्केट का आज का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आज का क्लोजिंग कुछ अलग से कर जाता, मतलब अगर क्लोजिंग आज का गलती से भी यहाँ पर कर जाता, मैंने आज जानबूझकर वीडियो लेट शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लोजिंग देखना था मार्केट का प्रॉपर आज के दिन पे, क्योंकि आज का दिन क्लोजिंग बहुत मैटर कर सकता है। आज के लिए आज 50 पॉइंट भी प्लस या माइनस भी हो जाता बैंक निफ्टी, तो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लास्ट टाइम पे जाकर हम यहाँ पर क्लोज कर चुके। तो प्लान क्या हो सकता है, प्लान एकदम सिंपल है मेरा, भी किसी भी सिचुएशन पर बैंक निफ्टी को सेल करने का जो प्लान है वो फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कहाँ पर चला गया भाई साहब, तुम चलो यार कहाँ पर चले गए तुम, ट्रेडिंग व्यू, एक मिनट गाइस, मैं चार्ट से बाहर। ओके, बैंक निफ्टी मार्केट न्यूज़ ब्रोकर मार्केट्स में आता है, चार्ट 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 किधर चले गए, एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ यहीं से। पहले से बाहर हूँ और उसके बाद ऐसा कुछ आता है तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है विदाउट रीज़न। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो चल जाता है, क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट में नहीं डालने वाला, क्योंकि एडिट डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और बिना एडिट करके मैं वीडियो दे दूंगा ताकि आपको जल्दी से कंटेंट मिल जाए करके। तो देखते हैं, हाँ चलो मार्केट का देख, मार्केट अगर फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता, प्लान एक सिंपल है, सेलिंग का प्लान कुछ हो ही नहीं सकता, जो भी प्लान होने वाला है ओनली बाइंग का ही प्लान होने वाला है, और बाइंग के लिए मेरे पास बैंक निफ्टी के पास बहुत ज़्यादा ऊपर के साइड में स्पेस बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से निकल जाता तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे। अगर मार्केट फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता तो फिर से बैंक निफ्टी को बाय करने का प्लान बनाएंगे, लेकिन बात याद रखो, जब भी मार्केट बाइंग साइड में जाता है थोड़ा सा डिफिकल्टीज करके क्रिएट करके जाता है, और आपको नुकसान ज़्यादा दे सकता है, इस बात को आपको थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर आपको मिल जाती है, तो उसी कैंडल के ऊपर मार्केट को बिंदास बाय कर सकते हो, लेकिन मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी देखो, बाइंग की तरफ चला गया, पहली बार नीचे आया लेकिन फिर जाकर कवर अप कर गया। सो इसी कंडीशन पे मार्केट ऐसा भी कर सकता है, पहली बार यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ट्रेलिंग एसएल के साथ मार्केट में जाते रहिए, जितना मार्केट ऊपर जा रहा है उतना मार्केट के साथ चलते रहिए, तो क्योंकि क्या पता मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। हाँ, मेरे लिए अगर आप देखा जाए तो वीकली प्लान या फिर बड़े लेवल का प्लान मार्केट का बुलिशी मोमेंटम का प्लान बन चुका है, और मैं बुलिशी तरफ मार्केट को देखने की कोशिश करने वाला हूँ, मेरा यही प्लान होने वाला है। मैं बैंक निफ्टी को सेल करना तभी पसंद करने वाला हूँ जब 51,900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर जाता है, इसके बिलो ही मेरा कोई भी प्लान होने वाला है, जो भी होगा उस सेलिंग का उसके बिलो प्लान होने वाला है, उसके पहले पहले मेरा बैंक निफ्टी को एग्रेसिव सेलिंग की तरफ प्लान नहीं हो सकता। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा तो मैं भी उसके साथ जरूर चल सकता हूं, लेकिन इस चीज का बात का थोड़ा सा आपको ख्याल रख लेना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट अगर कंटिन्यूशन में ऊपर चला जाता है तो आपको भी उस तरीके से मजे आएंगे, लेकिन आप उस तरीके से चीजों को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, ताकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप भी उसके साथ चलते रहो। देखो हमारा प्लान क्या सिंपल है, कि मार्केट इसके साथ चल रहा है, हम भी उसके साथ चलते चले जाएंगे, क्या पता एक दिन ऐसा भी आएगा मार्केट हम ट्रेड करेंगे लेकिन फिर यूटर्न मार के आपको लॉस दे देगा, लेकिन ये पता तो चल जाएगा कि इसके बाद मार्केट देने नहीं वाला है, तो फिर हम सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। इस बात का इतना ही सिंपल सिंपलिसिटी रखो मार्केट के अंदर, आपको कुछ भी डिफिकल्टी चीजें क्रिएट करने की मार्केट के अंदर जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको यही से समझा रखा था, अगर आप दो दिन का प्लान देखोगे, मैंने यही से समझा के रखा था कि मार्केट अगर निकल रहा है तो एक बढ़िया मोमेंटम करने के लिए जा रहा है। अगर आप ये लेवल से देखते हो, मतलब अगर 51,700 से अगर आप देखते हो, ऑलमोस्ट जाकर हमने 52,200 का यहाँ पर हाई लगा चुके हैं, 52, मतलब कितना जबरदस्त मोमेंटम आपके पास यहाँ पर आया होगा, ऑलमोस्ट 300 और 500, मतलब 500 पॉइंट्स का आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर आप चार्ट हमेशा मेरे साथ देखते हो, एनालिसिस अगर प्रॉपर मेरी तरीके से देखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। लेकिन कई सारे लोग क्या करते आते हैं, ओनली एंट्री में कहाँ पर बताता हूँ और एग्जिट कहाँ बताता हूँ, ये चीज़ें देखते हैं और फिर चले जाते और फिर उनको ट्रेडर बनना होता है, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है गाइस, तो इस बात का आपको ख्याल रख लेना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बैंक निफ्टी के बारे में खींचना नहीं चाहूँगा, सीधे हम निफ्टी की तरफ चलते हैं और निफ्टी को देखना पसंद करते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। निफ्टी के अंदर मैंने आपको इसलिए जानबूझकर बोला था, अगर आपको याद होगा,
अगर आपको याद है तो मैंने आपको पहले भी बोल के रखा था कि कहीं ना कहीं मेरा जो प्लानिंग यहाँ पर होने वाला है वो बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा प्ले करने वाला हूँ, मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादातर प्ले करने नहीं वाला, मैं निफ्टी को छोड़ने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यही पर ऑलमोस्ट अगर 3 कैंडल इसी के अंदर अंदर बनी है, कोई भी मोमेंटम यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है और इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ही कंटिन्यूशन में होल्ड करते जा रहा है, मैंने आपको यही समझा के रखा हुआ था। मैं वीडियो शूट कर रहा था, आगे से आकर कोई पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, अभी रुके हुए तो आपको क्या चाहिए करके, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है उनको बोल रहा कि अगर आपको फिल्मिंग वगैरह करना है तो हमें बता दीजिए क्योंकि मैं उसी एरिया में हूँ, कुछ कार का छोटा मोटा मुझे कुछ करना था, आपको व्लॉग के अंदर पता चलेगा, मैंने व्लॉग शूट करके रखा हुआ है, उस व्लॉग को भी आप देख लेना, आपको मज़ा सा आ जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। सो अभी अगर आप देखते हो तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि निफ्टी को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए क्योंकि निफ्टी यहाँ से पॉजिटिविटी आने के लिए रेडी तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा परेशान ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ सकता है, इसको आपको टेक केयर करना ज़्यादा पड़ सकता है। सो फ्लैट इसी रेंज के अंदर ये रहने वाला है, इसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाता है एक मैं बड़ा टारगेट के लिए प्लान जरूर कर सकता हूँ क्योंकि जितना भी निफ्टी यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, जितना भी निफ्टी यहाँ से टाइम पास करते जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में यही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देने वाला है, इस बात को आपको पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट है ये हमेशा मोमेंटम नहीं करेगा या फिर हमेशा चलने नहीं वाला, लेकिन जब भी चलेगा आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट बनने की ट्राई हो सकती है। अगर निफ्टी का ये पैटर्न देखते हो तो निफ्टी का ये पैटर्न आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, एक पोल बना है और यहाँ पर पोल और फ्लैग करके पैटर्न बना है। मैं एक आपके लिए बता दूँ, मैं आज के बाद बता दूँ, जिसके भी कमेंट पर सबसे ज़्यादा जो लाइक्स आएंगे मैं हर एक वीडियो से एक पर्सन को मैं चूज करूंगा, हर एक पर्सन को चूज करूंगा और मतलब मान के चलिए कि एक महीने के अंदर 20 वीडियो मैं डालता हूँ तो 20 वीडियो के अंदर 20 लोगों को मैं फ्री में एडमिशन देने वाला हूँ। तो आप जितने ज़्यादा जा सकते हो कमेंट करके कमेंट कर सकते हो, मैं उतने लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो कमेंट भी बढ़िया होना चाहिए और उसके अंदर उस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कमेंट कर रहा हो उसके अंदर ज़्यादा लाइक्स हो, वो कमेंट का भी अगर कमेंट बढ़िया हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइक्स है तो मैं उस लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो एवरी मंथ मान के चलिए मैं 20% को मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ, तो आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहना ताकि आपके ज़्यादा कमेंट, क्या पता आपका नंबर चूज हो जाए, क्योंकि मैंने ये शुरुआत की है आपकी ही, क्योंकि मैंने मेरे स्टार्टिंग पीरियड में मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था तो आपको थोड़ा बहुत मेरी तरफ से हेल्प होता रहे। तो एवरी वीडियो के लिए रहने वाला है, मैं एवरी डे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जाकर खुद कर सकते हो। पिछले 2 स्टूडेंट्स को मैं अभी चूज करने वाला हूँ, उनका भी मेरे से पेंडिंग हो रहा है, लेकिन ये जो बैच अभी आ रहा है उनके बैच में उन दोनों का भी कहीं ना कहीं मैं ऐड करके चला जाऊंगा, तो वो लोगों को भी यहाँ पर फ्री का एडमिशन मिल जाएगा और वो भी फ्री के अंदर सीख सकते हैं। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर निफ्टी के अंदर अच्छा पैटर्न बन रहा है, निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है निफ्टी के अंदर बाय करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि पहली बार इसके बाद 2 दिन निफ्टी यहाँ पर अंदर अंदर ही होल्ड कर पा रहा है। अगर इसके बाद मार्केट निकल जाता है, निफ्टी निकल जाता है, तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ निफ्टी यहाँ से निकल सकता है, एक बढ़िया मोमेंटम भी यहाँ पर कर सकता है, उसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी देखने की जरूरत नहीं होने वाली है, बढ़िया तरीके से मार्केट के अंदर पैसे बनाने की ट्राई कर सकते हो। होप आप इतना समझ गएंगे। सडनली निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है कहीं पर कहीं ना कहीं, तो निफ्टी को ये जगह पर प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी देख लेना आपको, जब तक एक क्लियर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है आपको कोई भी ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ओपन होने का मतलब है कि निफ्टी यहाँ से और वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने से पहले पहली बार में आपको स्टॉप लॉस काट कर सकता है और फिर जा सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक केयर खुद को पहले कर लेना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर जा रहा है मेरे लिए थोड़े अच्छे ट्रेड बन जाएंगे, अगर सडनली गैप डाउन निफ्टी कर रहा है निफ्टी को बिल्कुल भी सेल मत कर लेना, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन तो हो भी कह सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, फिर यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करने का ही ट्राई कर सकता है। निफ्टी को सेलिंग करने का इतनी जल्दी प्लान नहीं है मेरा, मैं पहली बार में निफ्टी को छोड़ने वाला हूँ, अगर कई बार भी निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है मैं पहली बार निफ्टी का मोमेंटम पूरी तरीके से देखने के बाद ही सेलिंग करूंगा, या तो फिर निफ्टी अगर यहाँ से कंट्रीब्यूशन में नीचे चला जाता है मैं गलती से भी यहाँ पर निफ्टी को सेल नहीं करने वाला, निफ्टी को पहले यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करने दूंगा और फिर डिसीजन लूंगा कि यहाँ से क्या उसको सेल करना है या फिर यहाँ से बाय करना है, तब तक मेरा कुछ कोई प्लान नहीं हो सकता। वो अब इतना समझ गए होंगे, मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।